G20 देशों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधिगण P20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। एक्सलेंसीज, दो दिनों की सार्थक चर्चा के बाद अब हम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं। मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा, महिला नेतृत्व वाले विकास, डिजिटल, सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों सत्रों में आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव और अपने अनुभव और अपने इनपुट को साझा किया है। निश्चित रूप से इन चारों विषयों के को हमने मानव केंद्रित विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। पिछले दो दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास से हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। मुझे हाल ही की जियो पॉलिटिकल घटनाएं और कई उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन के रेजिलियंस की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी अतिरिक्त उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। इसलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तव्यों के Para 27 में इस बात का उल्लेख भी किया है। मैं Para 27 का कुछ विषय, कुछ बिंदु आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनय और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा
और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। जनपति के रूप में हम संसद सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियां और कानून का निर्माण कर सके। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में है तथा जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों का और संसद सदस्यों का विशेष रूप से योगदान है। एक्सेलेंसीज, आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद और सफल रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास, बहुरंगी संस्कृति का भी आनंद लें और उन स्थान का भी भ्रमण करें। मैं आपका पुनः भारत आगमन पर स्वागत करने तथा जन कल्याण के विषयों पर आपने जो चर्चा की, संवाद किया, जो बहुमूल्य बातें आपने की, हम सब उसको लेकर आगे चलेंगे और अपने अपने संसदों के अंदर जन कल्याण का काम निरंतर इसी गति से करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैंबर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Thank you.